क्या मेरे को मोर देन दस दिखा कैसा, आई वुड हैव टू टेल यू दैट हम में से किसी को आइडिया नहीं था कि पॉल इतना अच्छा सिंगर है. मतलब हिज वॉइस क्वालिटी इज फैंटास्टिक. एक होता है जो लोग अच्छा गा लेते हैं ना, मतलब बाथरूम में भी गाते हैं, बाहर भी गा लेते हैं, ऐसे कोशिश करते हैं. एक होता है इट लुक्स एंड इट साउंड सो प्रोफेशनल. सो एनी वेज वी वर वेरी वेरी सरप्राइज अबाउट दिस. फिर अनीता वेंट अहेड एंड डिड द म्यूजिक वीडियो व्हिच शी डजंट रियली ऑफन डू. सो इट्स सच अ नाइस थिंग दैट एवरीवन कम टुगेदर. सुबह उठ के तूने वीडियो देखा? So nice. Yeah, I saw the video in the morning and I was like, wow, it was a perfect morning. He was like, he has sung so well. They both are looking so good and their chemistry is like brilliant. Yeah, very nice. Yeah, so very good song. Okay, और आज पार्टी है तो विकास आपको वैसे तो पार्टी करना पसंद नहीं है, लेकिन आज पार्टी करने वाले हैं या नहीं करने? देखो क्या है ना, पार्टी करना पसंद नहीं है लेकिन तुम हमेशा मुझे देखोगी लॉन्चेस पे. मेरे दोस्तों का लॉन्च होता है, मुझे वहाँ होना पड़ता है. और इस पे या ओपनिंग पे, बट दैट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट टाइम होता है जहाँ पर यू हैव टू बी विद योर फ्रेंड्स बिकॉज इट्स न्यू बिगिनिंग. और वैसे ही मैं बहुत लकी हूँ लोगों के लिए, तो मैं तो जाते ही जाता हूँ. वेरी इम्पॉर्टेंट. आज वी जस्ट कम टू सपोर्ट देम एंड इट्स सच अ बिग डे फॉर देम. बोथ ऑफ देयर एल्बम्स हैव कम आउट एंड इट्स डूइंग सो वेल. द रिस्पॉन्सेज आर ग्रेट. सो या, वी जस्ट गोना सेलिब्रेट विद देम. एंड पर्ल सिंगिंग फॉर मी बाय द वे. सो या, वी विल मेक हिम सिंग. एंड आपने एक्चुअली क्या हुआ था कि पर्ल ने मुझे ये नहीं बताया था कि उसका म्यूजिक वीडियो आ रहा है. ही सेड आई सिंग. सो आई हैड सेड पर्ल अपने सॉन्ग्स भेजना ना, बिकॉज आई वाज लुकिंग एट डूइंग समथिंग. एंड पर्ल सेंट हिज अ सुपर्ब यार. उसने फिर मुझे बताया कि ही इज आल्सो शॉट अ म्यूजिक वीडियो. एंड देन वी गॉट टू नो दैट ही प्रोफेशनली गॉट मी इनटू, व्हिच इज फैंटास्टिक. एंड आई नो इट्स लाइक हॉलीवुड, यू हैव आर्टिस्ट जो केवल एक्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर डूइंग सो मच वेरियस थिंग्स. सो आई थिंक दैट्स वेरी 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 फैंटास्टिक. बहुत ओके विकास, एक और जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि एज ऑफ स्पेस सीजन 2 में करण पटेल आपको रिप्लेस करने वाले हैं. अरे आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? यू नो आई थिंक इफ करण इज रिप्लेसिंग मी, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक न्यूज़, बिकॉज करण पटेल इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पर्सनैलिटीज ऑन स्क्रीन. तो अगर वो मुझे रिप्लेस करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो हो रहा है. पर नंदलेस मैं आपको बता नहीं सकता कि कौन कर रहा है उनकी जगह. बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हु विल इवेंचुअली डू स्पेस. हु विल बी द मास्टरमाइंड? एस ऑफ स्पेस सीजन 1 वाज द बिगेस्ट हिट फॉर एमटीवी लास्ट ईयर. इट्स बीटन स्प्लिट्स, रोडीज. सो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस फॉर एस ऑफ स्पेस 2 आर रियली हाई एंड आई एम रियली होपिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या होता है एस ऑफ स्पेस 2 में. ये इंडिया जीतेगा. इतना प्लेयर कौन है और क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगे? फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरी फेवरेट टीम है, उसका नाम है इंडिया. और मैं चाहता हूँ कि इंडिया जीते, ताकि हम लोग वापस से एक बार पागल हुए थे ना, पूरा शहर आ गया था रोड के ऊपर. ऐसे ही बहुत बहुत मजा आएगा, सब लोग एक दूसरे को वापस मिलेंगे सड़कों पे. सुपर फीलिंग. एक्चुअली अ गुड फीलिंग. थैंक यू.